आज कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। एंड सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? जैसे हम अभी तक क्या पढ़ते थे, रियल नंबर्स पढ़ते थे। तो रियल नंबर में आपके रैशनल और इरेशनल नंबर दो कैटेगरी आती है मेन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, सारे तरह के नंबर आ जाएंगे, जो हम इमेजिनरी नंबर होते हैं वो भी इसके अंडर आ जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले एक इमेजिनरी नंबर क्या होता है, लेट्स से लिखा है √-1, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं, आयोटा, दैट इज इमेजिनरी नंबर, राइट। अगर आई का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस 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 वन, माइनस वन, ठीक है। और आई क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, आई क्यूब कैसे निकालेंगे, आई स्क्वायर को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्योंकि माइनस वन है और इंटू में आई, तो आप क्या लिखोगे, आई क्यूब इक्वल्स टू माइनस आई, ठीक है, माइनस ठीक है। और अगर आई की बात फोर कर देंगे तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, विच विल बी वन वन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो भाई ये चार वैल्यूज आपको आई की पावर याद होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर आई की पावर लिखा है, लेट्स से फोर का कोई भी मल्टीपल लिखा है, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल, तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा, वन आएगा, राइट। अच्छा, यस फिर अगर आई की पावर फोर एन प्लस वन, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आई की जो भी पावर है उसको अगर मैं फोर से डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर अगर वन आता है, तो उसको हम लिख सकते हैं आई सिंपली, है ना। फिर इसी तरह से आई की पावर फोर एन प्लस टू आता है, मतलब रिमाइंडर टू आ जाता है, तो उसमें आई स्क्वायर आएगा आंसर, और आई स्क्वायर को क्या लिख माइनस सकते हैं, माइनस वन। और आई की पावर फोर एन प्लस थ्री, अगर थ्री रिमाइंडर आता है तो माइनस आई, ठीक है। वन। अच्छा, एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। फिर आता है नेक्स्ट, अगर आई की मैं कोई भी चार कंजिकेटिव पावर लेता हूँ, इंटीग्रल पावर चार कंजिकेटिव, मतलब मैंने क्या लिया, लेट्स से आई की पावर ले लिया 19, आई की पावर ले लिया 20, आई की पावर ले लिया 21 और आई की पावर 22। अगर मैंने चार कंजिकेटिव पावर्स लिया आई की, तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ। आई की पावर 19, वेरी गुड, सबसे कम वाला ले नाइनटीन लिया, तो बचेगा वन, आई, आई स्क्वायर और आई क्यूब, ठीक है, एग्री। फिर उसके बाद हमें पता है कि वन तो वन ही रखते हैं, आई को भी आई रखते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है माइनस वन होती है और आई क्यूब इज माइनस आई, तो इसमें ये दोनों कट गए, ये भी कट गया, तो ब्रैकेट में जीरो आ गया, तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया, जीरो। तो हमने जीरो नोटिस करा कि कभी भी आई की फोर इंटीग्रल कंसेक्यूटिव पावर्स अगर हम लेते हैं तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है। तो ये याद रख लिया ताकि सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं हो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि पहले आई 19 को मैं सॉल्व करने बैठ गया। अच्छा, अगर वैसे किसी ने इंडिविजुअली ऐसे पूछ लिया, लेट से चलो ये बताओ क्या आएगा, वन अपॉन आई की पावर 47, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। बताओ ए क्या, होता सर, ए वन अपॉन माइनस माइनस ए वन होता, होता माइनस वेरी वन। गुड। हाँ, तो मतलब अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, वन अपॉन, पहली बात आई की पावर 47 है, तो फोर से डिवाइड करके क्या बचेगा पावर, रिमाइंडर क्या आएगा, थ्री, और आई थ्री हो जाएगा, राइट, ये बेसिकली। और आई क्यू क्या होता है, माइनस आई होता है, तो माइनस आई लिख दो। और इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे आपको याद होगा, जब हम छोटी क्लासेस में, तो हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट या इरेशनल नंबर नहीं लिखते थे, तो डिनोमिनेटर में यहां पर भी क्या करेंगे, इमेजिन नंबर नहीं लिखेंगे, हम क्या करते हैं उसे रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज मतलब जैसे आई आई से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जैसे रूट हटाने के लिए √2 √2 कर देते थे, इसी तरह से यहाँ पर, तो माइनस आई और नीचे आएगा आई स्क्वायर, तो क्या आंसर आया पता है, क्या आंसर आ गया इसका, आई ये तो पॉजिटिव आई आ गया, यस ठीक है, क्लियर, सभी को क्लियर बेटा, सर, ठीक है। अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, लेकिन इसमें जो आई है वो तो हमें पता है इमेजिन नंबर है, लेकिन जो एक्स और वाई है वो क्या है, रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर एक लेकिन पहले कंडीशन स्पेसिफाई कर देनी है जरूर, क्या कि एक्स और वाई जो है वो दोनों बिलोंग करते हैं क्या, रियल नंबर, मतलब आई जो है वो तो इमेजिनरी नंबर है, लेकिन जो एक्स और वाई है वो रियल ही है, ये कंफर्म है, वो सिर्फ कॉफिशंट है, मतलब वाई जो वाई जो है वो आई का कॉफिशंट है और एक्स जो है वो क्या, एक रियल पार्ट है, मतलब रियल, उसको रियल पार्ट बोल दिया। एक्स और वाई दोनों ही रियल है, बट जो आई के साथ कॉफिशंट लिखा है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं और जो एक्स लिखा है उसको रियल पार्ट बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूँ रियल पार्ट ऑफ जेड, तो उसको ऐसे लिख देते हैं, आर ई शॉर्ट में जेड, कि हम कह रहे हैं रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, तो मैं कहूंगा एक्स है।
फिर अगर मैं कहता हूँ आई एम मतलब मैं इमेजिनरी पार्ट, तो वो कहूंगा वाई। क्लियर है? यस सर। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, इसको कार्टेशियन फॉर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर अभी एक और फॉर्म करेंगे जिसमें आएगा पोलर फॉर्म, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को और तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म होगी। ठीक है, अब आता है, मैंने जैसे ये लिख दिया, अब कोई क्वेश्चन दिया, लेट से 3 upon 1 minus i equals to a plus ib की फॉर्म में लिखो, वेयर a एंड b क्या है, रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, पहले रैशनलाइज करेंगे, राइट, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई 1 प्लस आई से डिवाइड, तो क्या आएगा 3 प्लस 3i डिवाइड में कितना हो जाएगा, a माइनस b, a प्लस b की प्रॉपर्टी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि कितना आएगा 1 माइनस आई स्क्वायर आएगा, लेकिन 1 माइनस आई स्क्वायर में आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, इसलिए प्लस 1 हो जाएगा, दैट्स व्हाई 2 हो जाएगा। अब मैं सेपरेट कर देता हूँ 3 के नीचे 2 और 3i के नीचे 2, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि a की वैल्यू कितनी है 3/2 और b की वैल्यू कितनी है अगेन 3/2। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सभी को आया बेटा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि if z equals to a plus ib is purely real, पहला ले लिया मैंने केस प्योरली रियल है, जिसमें मैं कह रहा हूं a और b कैसे हैं रियल नंबर, तो अगर ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है प्योरली रियल है, तो फिर b का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर मैं कहता हूं प्योरली इमेजिनरी है, ए जीरो हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, ऐसा भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ऐसा भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो प्योरली इमेजिनरी भी और प्योरली रियल भी हो? यस सर। जीरो लिख दिया, जीरो जीरो, सिर्फ जीरो लिख दिया, जीरो क्या है, प्योरली रियल भी और प्योरली इमेजिनरी भी। ठीक है, एंड प्योरली इमेजिनरी। क्लियर है? तो ये जीरो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल भी और प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। जैसे हम नंबर जो होते हैं रियल नंबर, उनमें तो कंपैरिजन करते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि माइनस 3 इज ग्रेटर देन माइनस 5 या 3 इज लेस देन 5, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट के साथ इन्वॉल्व होकर आता है तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं बोलूं 3 minus 5i इज ग्रेटर देन 2 minus 5i, तो ये रॉन्ग है, मतलब ऐसे बोलना। ठीक है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उनको अब इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, अगर कंपेयर करना है तो सिर्फ रियल रियल पार्ट कंपेयर हो सकता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से कभी कंपैरिजन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर आता है इसके बाद लेट्स से कुछ एलजेब्रा, इनका एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जैसे एलजेब्रा का मतलब हो गया कि हम जैसे ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं रियल नंबर्स को, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम ऐड सबट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन किसने बोला, लेट से पहला है जेड इक्वल्स टू, मान लो दिया हुआ था जेड वन दिया हुआ था 2 minus i और जेड टू दिया हुआ लेट से 3 plus 4i, और मैंने कहा कि फाइंड पहला है जेड वन मल्टीप्लाइड बाय जेड टू, मल्टीप्लाई करो इन्हें, तो कैसे करोगे मल्टीप्लाई, जैसे नॉर्मल करते हो 3 2 कितना हो जाएगा 6, 2 into 4 आएगा 8i, माइनस आई इंटू 3 आएगा माइनस 3i, और माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई 4i हो जाएगा माइनस 4i स्क्वायर। तो ये तो आपका माइनस 1 होता है, तो 6 plus 4 हो जाएगा, 6 plus 4 10 हो जाएगा, और ये लाइक टर्म्स हैं, इनको आप आई वाले टर्म्स को एड सेपरेट कर सकते हो, प्लस का 5 आएगा, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। क्लियर है? Yes. इसी तरह से yes, अगर sir. मैं प्लस करूं तो प्लस भी कर लूंगा, अगर मैं माइनस करना चाहूं तो माइनस भी कर लूंगा। अच्छा, अगर डिवाइड करें तो डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड में थोड़ा सा लाइक देखो ध्यान से कैसे होगा, 2 minus i डिवाइड बाय 3 plus 4i करना है, तो इसको बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी सीखा था स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे आप, रैशनलाइज की तरह से कर लोगे ऐसे। ठीक है, सॉल्व कर लोगे आगे? यस सर। यस सर। नीचे जो आपका डिनोमिनेटर अभी इमेजिनरी था, मतलब लाइक कॉम्प्लेक्स था, वो रियल बन जाएगा प्योरली, कैसे 9 plus 16 25 आ जाएगा, और ऊपर आप मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एड सब्ट्रैक्ट डिवाइड और मल्टीप्लाई। अच्छा, अगर मैं कहता हूं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं कहता हूं दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, मतलब मैं कहता हूं इफ जेड वन इक्वल टू लेट से ए प्लस आई डी है और जेड टू लेट से सी प्लस आई डी है, और मैं कहता हूं एंड जेड वन इक्वल टू जेड टू, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा, दैट इंप्लाइज कि ए इक्वल टू सी होना चाहिए एंड बी इक्वल टू डी होना चाहिए ना। क्लियर? यस सर। यस सर।
चलो एक ऐसा दे दिया क्वेश्चन कि एफ माइनस टू माइनस वन बाय थ्री आई की होल पावर थ्री होल क्यूब इज इक्वल टू लेट्स से ए प्लस आई बी होल डिवाइड बाय 27 देन फाइंड ए माइनस बी या बी माइनस ए इफ ए बी दोनों क्या है रियल नंबर है। ये आपका 2019 जेईई मेंस में आया था। तो अब सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि दो साइड इक्वल दी हुई है इक्वालिटी, मतलब लेफ्ट साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है राइट साइड पे भी। और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमने सीखा है कि अगर इक्वल होते तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होने चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर कंपेरिजन करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो राइट साइड को तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ए के नीचे 27 लिख देंगे और बी के नीचे 27 लिख देंगे, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों आ जाएंगे। लेफ्ट साइड जो है वहां पर जो लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस टू माइनस वन बाय थ्री का आई का होल क्यूब, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब आपको पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। तो ए माइनस बी का होल क्यूब या ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी में से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस कॉमन ले लेंगे। वेरी गुड। तो भाई आपको ये दिख रहा होगा कि माइनस साइन दोनों नेगेटिव है, तो दोनों अगर नेगेटिव है तो आप क्या कर सकते हो, माइनस साइन पहले कॉमन ही ले लो। तो माइनस साइन कॉमन लेकर उसका क्यूब करोगे तो माइनस ही आएगा, तो माइनस बाहर निकाल दें ऐसे। यस सर। अब इसका हम क्या कर देते हैं, होल क्यूब कर देते हैं। बताओ क्या आएगा, क्या होता है होल क्यूब का फॉर्मूला? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, बी का क्यूब, बी का क्यूब क्या आएगा 1 बाय 27 आई क्यूब। अच्छा आई क्यूब की जगह मैं डायरेक्टली लिख दूं माइनस आई बिना टाइप करे? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई बाय 27 है, ठीक है। फिर प्लस, प्लस बताओ क्या आएगा, 3ab। 3 क्या होता था, 3a स्क्वायर b होता था ना, 3a स्क्वायर इनटू में b लिख लेते हैं, और होता था 3ab का स्क्वायर, राइट, ये होता था। यस। तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये क्या है हमारा माइनस आई बाय 27। अच्छा 3 into 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये तो 3 कट जाएगा तो बचेगा 4 आएगा सिर्फ, है ना, पॉजिटिव का ही आएगा। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, अच्छा ये 3 से 3 नहीं कटेगा, पहले स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो 2 बाय 3 बचेगा और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो माइनस 2 बाय 3 आई भी आएगा क्या, ये बस इतना ही, बस बस इतना ही आएगा, राइट, ठीक है। अब इसमें तो ये तो लाइक टर्म हो जाएगी ना, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट ये कर लो सॉल्व, कितना आ गया 24 माइनस 2 हो जाएगा 22 बाय 3, और आई वाला पार्ट हो जाएगा 27 का 4 टाइम्स कितना होगा, 27 का डबल 54 का डबल 108 माइनस 1 प्लस का 107 डिवाइड बाय 27 आए, ठीक है, ये आ गया। और इसको अब कंपेयर करना है किससे भाई, ए के नीचे 27 लिख दो, आई बी के नीचे 27 लिख दो, तो ए की वैल्यू बता दो कितनी है, ए बाय 27 इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस 22 बाय 3 है ना, ए का वैल्यू हो गया माइनस 22 बाय 3 इंटू 27 कितना हो गया माइनस का 198। और अगर बी बाय 27 को कंपेयर करोगे किससे, माइनस 107, माइनस 1 भूल जाना, तो बी की वैल्यू आ गई माइनस 107। हमें निकालना क्या था, ए माइनस बी, कर लो बेटा। यस सर। तो ये आ गया माइनस 198 प्लस 107 कितना हो गया 92 91, सॉरी क्लियर है सभी को, माइनस का, सॉरी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है कि क्यूब वगैरह जब ओपन करोगे तो उसमें साइन की गड़बड़ हो सकती है, उसमें कोई बच्चा करेगा तो। अच्छा एक चीज और, जैसे मैंने बोला ए माइनस बी का अगर मैं होल क्यूब करता हूँ, आपको पता है ए प्लस बी का होल क्यूब भी पता है, और माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब कर रहे हो आप, तो माइनस कॉमन लेकर ए प्लस बी का होल क्यूब कर लो, इसमें गड़बड़ मत कर देना। दूसरी बात, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी पता है आपको, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करोगे, माइनस कॉमन लेके, तो बेसिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं करते, क्योंकि क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया, तो माइनस साइन कॉमन लेके अगर उसका स्क्वायर करूंगा तो प्लस ही बन जाएगा, तो बेसिकली ए माइनस बी का स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर करो होल स्क्वायर, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम ही बात है ना। इसी तरह से ए माइनस बी का स्क्वायर करो या बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये दोनों भी सेम बात है, क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, किसी को बेटा डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक है, अब
जैसे मैंने कहा है कि ट्रिग्नोमेट्री आपका बेसिक है, लाइक आपको सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तो कहीं पर भी यूज हो जाएगा, पूरे कैलकुलस में कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के मैनिपुलेशन। तो एक क्वेश्चन आया लेट से, ये भी आया था आपका जीमेन में 2019 में, लेट से एक ए सेट दिया हुआ है मैं, और उसमें बोल दिया कि जो एंगल थीटा है वो बिलोंग करता है किससे, माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई तक। अच्छा, माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई तक, तो समझ में आ गया कि कौन कौन से क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होंगे इसमें। और फिर बोल दिया इस तरह से कि 3 प्लस 2 आई साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 2 आई साइन थीटा इज, बोल दिया उसने प्योरली क्या है, प्योरली इमेजिनरी, उसने कह दिया प्योरली इमेजिनरी। देन फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब ए सेट जो है उसमें एलिमेंट जो है वो थीटा है, और थीटा जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई तक। और कंडीशन दी है कि ये जो लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये प्योरली क्या होना चाहिए, इमेजिनरी होना चाहिए। तो जितने भी थीटा पॉसिबल है जिसके लिए ये प्योरली इमेजिनरी होगा, उन सभी एंगल्स का क्या फाइंड करना है, मुझे सम फाइंड करना है। तो पहले तो ये लिख लें, जेड इक्वल टू लेट से है 3 प्लस 2 आई साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 2 आई साइन थीटा। आप कह रहे हो प्योरली इमेजिनरी है, इमेजिनरी के लिए आपको मतलब आपको पता लग गया कि इसका जो रियल पार्ट है वो जीरो करना है, पर रियल पार्ट निकालने के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होना चाहिए। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, बताओ। नो सर, नो सर। तो कर दो, कैसे करेंगे भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में, 1 प्लस 2 आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी करोगे और भाई डिवाइड भी करोगे आप, है ना। मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो नीचे तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी बनती है हमेशा। न्यूमरेटर में बताओ क्या आएगा, नीचे क्या आ गया, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दो, ठीक है। यस सर। आएगा तो माइनस का, लेकिन वो जो आई स्क्वायर होगा वो माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर लिख दिया बेटा, किसी को नहीं आ रहा तो पूछ लेना कि प्लस कैसे लिख दिया, 4 कैसे आ गया, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ मैं, ओके नेक्स्ट। अब ऊपर बता दो जल्दी से क्या आएगा मेंटली करके, 3 आएगा एक तो। यस सर। अच्छा आई वाले पार्ट के देखो कितने आएंगे, एक तो आएगा 2 आई साइन थीटा और ये आएगा 6 आई साइन थीटा, 2 आई साइन थीटा और 6 आई साइन थीटा, क्या लिखूं, 8 आई साइन थीटा लिखूं। यस सर। अच्छा और नंबर वाला पार्ट जो आएगा रियल वो क्या आएगा बताओ, 2 आई साइन थीटा प्लस 6, एक तो आएगा 3 और प्लस का आएगा आपका, प्लस का आएगा 4 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन जो आई स्क्वायर है वो माइनस 1 होता है, तो इसलिए माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये क्लियर है। यस सर। तो अब आपको दिख रहा होगा इसमें भी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कितना है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा आपका और डिवाइड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आपका रियल पार्ट हो जाएगा, और 8 साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, क्लियर है। Yes, तो ये आपका इमेजिनरी है और ये आपका रियल, और इसने बोला था क्या, इसने बोला था कि ये जो नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारा प्योरली इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी है तो किसको जीरो रखना है, 3 वाले 3 माइनस 4 को या इसको 8 साइन थीटा को, 3 माइनस 4 को, ठीक है। तो आपने 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा को रख दिया भाई जीरो, तो सॉल्व करके आ गया 3 इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला कभी भी जीरो नहीं होगा, लाइक अच्छा डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो हम ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि 3 इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये कह सकते हैं, क्योंकि नीचे वाले डिनोमिनेटर को तो जीरो नहीं करेंगे ना, राइट, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो यानी कि ऊपर वाला न्यूमरेटर ही क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 3/4, ठीक है। अब आपको याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो तो क्या बताया था, अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर कुछ और एंगल है, लेट्स से फाई ऐसा है, तो फिर मैंने क्या बताया था, याद है थीटा की वैल्यू क्या होती है, एन पाई प्लस माइनस फाई, याद है। यस सर। ठीक है, याद आ रहा बेटा सभी को। चलो अगर ये भी नहीं करते हम तो लाइक रूट लेकर अगर कर देते हैं तो क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू आएगी आपकी अगर प्लस का रूट 3/2 या फिर माइनस का रूट 3/2, ठीक है। यस सर। अब या तो आप इसको जनरल सॉल्यूशन लिखकर इसका, और फिर n की जो इंटीजर हम लेते थे, n कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, वो वैल्यू पुट कर आप देखोगे कौन कौन से एंगल माइनस पाई बाय 2 से पाई के बीच में आते हैं, या फिर आप ये करो, आपको पता है कि 3/2 वैसे कहाँ पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पे होता है वैल्यू, 60 डिग्री, 60 मतलब पाई बाय 3 पर,
सेकंड में जा सकते हैं, हाँ सेकंड में जा सकते हैं क्योंकि पाए तक बुलाएंगे, तो थीटा के वाले मैं लिख देता हूँ कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाय टू से लेकर पाए तक है भाई, तो माइनस पाई बाय टू से जीरो तो बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट ही हो गया है ना, यही मतलब है ना? Yes, sir. मैं इसको ऐसे सोचू माइनस पाई बाय टू से लेकर जीरो तक, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, क्लियर है? फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों बोला मैंने, क्लियर है सभी को? Yes, sir. और जीरो से लेकर पाए तक आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों आ जाएंगे, तो आपको बेसिकली थर्ड में नहीं लेना, ठीक है? तो सबसे पहले आपने फर्स्ट में ले लिया, हाँ ये जो आपका एंगल आया तो फर्स्ट में आया, अच्छा सेकंड में भी ले लो, क्या होगा सेकंड में बताओ? 120. सेकंड में क्या लिखें? 4π/4 पाई माइनस पाई बाय 3 ऐसे करते हैं ना, तो कितना आएगा 2π/3 है ना, ठीक है? किसने बोला कितना होता है 120, बिल्कुल ठीक है 120 आ गया। और अब आपको और तो कोई नहीं लेना है, तो ठीक है बस इतना ही लेना है। और नेगेटिव जो है साइन की वैल्यू, वो नेगेटिव मुझे ये पता है कि फोर्थ में भी नेगेटिव होती है साइन की वैल्यू और थर्ड में भी होती है, पर क्या थर्ड में लेना है मुझे एंगल? नो सर, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर मुझे ये बात पता है कि माइनस पाई बाय टू से जीरो जो होता है फोर्थ होता है, अच्छा कई बच्चों को शायद नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ, देखो बेटा ये आपका जो होता है 3π/2 होता है, पर 3π/2 को अगर आप और कुछ लिखो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो माइनस पाई बाय 2, क्यों? क्योंकि अगर आप क्लॉकवाइज चलकर इस तरह से आओगे तो 90 डिग्री कवर कर रहे हो आप, और 90 डिग्री में क्लॉकवाइज चल के कवर कर रहे हो, इसलिए नेगेटिव पाई बाय 2, तो वो एक ही बात है। तो जीरो से लेकर माइनस पाई बाय 2 तक अगर आप ये एंगल लेते हो इस तरह से, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपका, ठीक है? और फर्स्ट सेकंड हो गया जीरो से पाई, ये आपका जीरो से पाई हो गया इस तरह से। तो आपने देखा कि यहां पर कोई एंगल कवर नहीं करना है, तो जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है माइनस 3π/2 उसमें थर्ड में मतलब सिर्फ फोर्थ वाला ले लो, फोर्थ में आप क्या करते हो बस माइनस थीटा करते हो, राइट? ये करते हो ना? Yes, तो थीटा तो मुझे पता है कितना, तो थीटा तो पाई बाय 3 है क्योंकि 60 पर होता है 3π/2, तो 60 को बस नेगेटिव लिखना है, तो थीटा यहां पर कितना आ गया माइनस का पाई बाय 3, क्लियर है? तो अब इनका मैंने कहा था सम है जो हमें निकालना है, तो सम क्या होगा इन सभी एंगल्स का, पाई बाय 3 प्लस 2π/3 और है माइनस का पाई बाय 3, तो क्या आ गया आंसर भाई? 2π/3। सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। तो प्रीवियस स्लाइड करना बेटा, ऊपर उससे ऊपर, ये बस सर, बस हो गया, ठीक है? यस डन सर। यहां तक सभी को आया बेटा? यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले आता है आर्गन प्लेन क्या होता है, जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है ना, तो कार्टेशियन प्लेन में जो दोनों एक्सेस आप लेते हो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, वो दोनों रियल होते हैं एक्सेस, लेकिन आर्गन प्लेन में जब हम बनाएंगे तो एक्स एक्सेस को रियल बोलेंगे और जो वाई एक्सेस होगा उसको बोल देते हैं बस इमेजिनरी एक्सेस, ठीक है? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आपका वाई एक्सेस पे होगा तो उसको मैंने इमेजिनरी एक्सेस बोल दिया, ठीक है? यस सर। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, वही जैसे कार्टेशियन फॉर्म उसमें लेते हैं प्लेन में, इसको आर्गन प्लेन बोलते हैं, जिसमें हमारा y जो है वो इमेजिनरी एक्सिस है और ये हमारा रियल। अच्छा, अब जैसे हम कोई भी पॉइंट डिनोट करते थे 3, 2 कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, तो इसमें भी चार क्वाड्रेंट है एज यू कैन सी। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है तो उसको हम एज अ पॉइंट भी डिनोट कर सकते हैं आर्गन प्लेन में, जैसे z लिखा है -1 प्लस लेट्स से 2i, तो इसको हम ऐसे पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं -1, 2 जिसमें x रियल एक्सिस पे -1 होगा, लेट्स से -1 है, और y पर 2 यूनिट्स अबव होगा इस तरह से। तो ये पॉइंट जो होगा कॉरेस्पॉन्ड करेगा टू कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है बेटा? यस सर। फिर आता है z का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ z, मॉड z या मॉडुलस ऑफ z जो होगा वो क्या डिनोट करता है, वो इक्वल टू होता है लेट से आपका z जो है वो था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट से f z था आपका x प्लस आई वाई, तो आपका जो मॉड z होगा वो क्या होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब दोनों जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उनका होल स्क्वायर करके प्लस कर दो तो आपका मॉडुलस आ जाएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये मॉडुलस देता क्या है मुझे, मॉडुलस मुझे क्या देता है, हाँ डिस्टेंस देता है फ्रॉम ओरिजिन, है ना? ये ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर वाले पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है उस तक का डिस्टेंस जो होगा यही मॉड z है, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि सर ने एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अगर पॉइंट x y होता तो x² + y² पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया इसमें, जिसमें आपका ये लेट से o पॉइंट था, ये b पॉइंट था, तो o
ओ बी जो होगा वो तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी जो होगा वो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और एडअप करके जो आएगा वो ए ओ स्क्वायर निकलेगा। तो रूट ओवर कर देंगे तो ए ओ की वैल्यू आ गई बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका मॉडुलस होता है जेड का। उसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम पॉइंट लेते हैं, तो जो ये ए ओ लाइन है कॉम्प्लेक्स नंबर जो ए पॉइंट था उसका जो लाइन हमने बनाया ओ से ज्वाइन करके ओरिजिन से, तो ये जो ए ओ है या ओ ए ये कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज मिरर में। तो ये एंगल क्या होगा मेरा आर्ग्यूमेंट होगा, क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई, क्लियर। अच्छा अब लेकिन आर्ग्यूमेंट जो हम लेते हैं, तो आर्ग्यूमेंट और एक होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी बोल देते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस समझा देता हूं क्या डिफरेंस है। पहले हम पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड बोल दो या फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोल दो, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है ये कहां तक लेनी है हमें, इसकी वैल्यू रिस्ट्रिक्ट कर दी हमने कि ये वाला जो एंगल होना चाहिए थीटा ये कहां से कहां तक होना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट जेड ऐसे बोल देता हूं, आर्गुमेंट जेड जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई से पाई तक ऐसे। यानी मैंने जो एंगल लिया वो कहां से कहां तक लिया, माइनस पाई से पाई। ये बेसिकली पूरे के पूरे सारा पूरा चारों क्वाड्रेंट कवर हो गया इसमें। कैसे, जीरो से पाई तक लोगे तो फर्स्ट और सेकंड कवर हो जाएंगे। जीरो से लेकर पाई, पाई बाय टू और ये थ्री पाई बाय टू। अच्छा देखो जीरो से पाई तक तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट कवर हो गए, राइट? यस सर, यस सर। और अगर आप जीरो से माइनस पाई लेते हो या माइनस पाई से जीरो लेते हो, माइनस पाई से जीरो तो आपके थर्ड और फोर्थ भी तो कवर हो गए। क्यों? क्योंकि जीरो से माइनस पाई का मतलब क्लॉकवाइज घूम के जाओगे ना, क्लियर? यस सर। तो ये बेसिकली चारों लाइक क्वाड्रेंट कवर हो गए इसमें। लेकिन हम इस तरह से लेते हैं माइनस पाई से पाई तक। अच्छा माइनस पाई में देखो मैंने लेस देन लिखा है, सॉरी ग्रेटर देन लिखा है आर्गुमेंट जेड को, तो वहां पे इक्वालिटी नहीं लगाया क्योंकि जब पाई में इंक्लूड कर लिया पाई को तो क्लॉकवाइज घूम के इंक्लूड नहीं करेंगे फिर, ठीक है? ये तो दोनों बार काउंट हो जाएगा ना, क्लियर? यस सर। मतलब ये यहां पर आपने काउंट नहीं करा, यहां पर काउंट कर लिया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम के पाई को इंक्लूड करना है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अगर घूम रहे तो फिर पाई को इंक्लूड नहीं करना, वो माइनस पाई जो लिखा है, ठीक है? यस सर, यस सर। क्योंकि है तो दोनों एक ही बात भाई, पाई आप क्लॉकवाइज घूम के आओ या एंटी क्लॉकवाइज घूम के आओ पहुंचोगे तो एक ही जगह पर, लेकिन पाई बाय टू आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो ऊपर पहुंचोगे और पाई बाय टू आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो नीचे आ जाओगे थ्री पाई बाय टू में। तो लेकिन पाई में इक्वल बात है, तो एक जगह पे इंक्लूड कर दिया, एक जगह को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्या प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये क्लियर है, याद रहेगा? यस सर। यहां तक बोलो भाई, किसी को डाउट है तो? नो सर। तो मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, एम्पलीट्यूड समझ में आ गया, सॉरी एम्पलीट्यूड कह रहा हूं, मॉडुलस समझ में आया जेड क्या होता है। यस सर। मतलब ये बेसिकली मैग्नीट्यूड हो गया, इसको मैग्नीट्यूड बोल देंगे। और जो जो मैंने आर्गुमेंट बोला, आर्गुमेंट कहां से कहां तक लेना है या जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो कहां से कहां तक लेना है? प्रिंसिपल, एक चीज याद रखना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलो या एम्पलीट्यूड बोलो एक ही बात है। ये कहां से कहां तक लेना है, माइनस पाई से लेकर पाई तक। अच्छा लेकिन आर्गुमेंट फिर क्या है, अगर मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं बोलूं सिर्फ आर्गुमेंट बोल दूं तब क्या होगा? अगर मैं सिर्फ आर्गुमेंट बोलता हूं, आर्गुमेंट जेड किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ आर्गुमेंट बोल दिया, तो उसमें क्या करोगे आप, जो एम्पलीट्यूड आया मुझे यहां पर लिखना चाहिए था, वैसे एम्पलीट्यूड लिखना चाहिए था, एएमपी लिख देता हूं, एम्पलीट्यूड या प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड। तो आर्गुमेंट जो जेड होगा वो क्या होगा, जो आपने एम्पलीट्यूड निकाला जेड उसी में प्लस माइनस कर दो 2n पाई। क्या कर दो? प्लस माइनस 2n पाई। मतलब खुद सोच के देखो, अगर आप कोई भी 2 पाई का मल्टीपल प्लस या मतलब प्लस कर दो माइनस कर दो 4 टाइम्स 6 टाइम्स 8 पाई कर दो 6 पाई कर दो घूम के वहीं तो आ जाओगे, ये बात क्लियर है? यस सर। क्योंकि 2 पाई के कितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ले लो, मतलब 360 के कितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ले लो, 12 घूमकर वहीं पर पहुंचोगे। तो जो एम्पलीट्यूड जेड आएगा, एक बार 2 पाई घूमा तो एक और राउंड ले लेंगे, 4 पाई होगा तो 2 राउंड ले लेंगे, पहुंचेंगे तो वहीं। तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लाइक अगर मैं कहूं OA का जो डायरेक्शन है वहीं पर ही आ जाएंगे, ठीक है? तो इसको सिंपली आर्गुमेंट बोल देते, इसको सिंपली आर्गुमेंट बोल देते हैं। तो उसमें तुम अगर मैं बोलूं क्या एम्पलीट्यूड अगर लिखा है लेट से पाई बाय 3, तो क्या आर्गुमेंट भी पाई बाय 3 बोल सकते हैं? हां बोल सकते हैं। पाई मतलब आर्गुमेंट में तो कितने भी बोल दो आप, पाई बाय 3 बोल दो, 2 पाई प्लस पाई बाय 3 बोल दो, 4 पाई प्लस पाई बाय 3 बोल दो, सारी सेम ही बात है, ठीक है? तो आर्गुमेंट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो तो लाइक अनलिमिटेड वैल्यूज हो गई।
लेकिन जैसे हमने पढ़ा था ना, ध्यान होगा आपको, हमने उसमें पढ़ा था जनरल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री में, और क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, जनरल सॉल्यूशन की कोई बोली थी कि कहीं तक भी निकाल सकते हो आप, है ना। तो बिल्कुल कुछ वैसा ही, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस याद रखना, एम्पलीट्यूड जो होगा वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया माइनस पाई से पाई, ठीक है, उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी बोलते हैं। और सिर्फ आर्गुमेंट लिखा है तो उसमें आप 2n पाई का कोई भी मल्टीपल, मतलब n टाइम्स कुछ भी लेकर वैल्यू निकाल दो, उसको हम आर्गुमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये याद रखना है कि माइनस पाई को इंक्लूड नहीं करा, पाई को इंक्लूड करा प्रिंसिपल आर्गुमेंट में, और जो आपका एम्पलीट्यूड और प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो सेम बात है। अब आता निकालेंगे कैसे। अब हमने ये भी सीख लिया कि भाई मॉडुलस कैसे निकालते हैं जेड का, और आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी कैसे निकालते हैं। अब ये दोनों, ये तो समझ लिया रिस्ट्रिक्ट कहां तक करनी है और कैसे निकालना है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। लेट्स से गिवन है हमें फाइंड मॉड जेड भी फाइंड करना है एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड भी फाइंड करना है। तो लेट्स से जेड दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है 3+√3 है, ये दे दिया, और इसका मुझे क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट और मॉड जेड। तो मॉड जेड तो बहुत सिंपल है, क्या हो गया 3 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर, कितना आ गया भाई, √12 में से 2 बार आगे √2√3 लिख दें, ठीक है। यस सर। चलो अब हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। तो उसके लिए आपको ये सीखना है पोलर फॉर्म। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के दो तरीके अभी मैंने समझाया था, क्या जेड एक तो था x+i/y ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म। एक और फॉर्म है इसका, क्या है, पोलर फॉर्म बोलते हैं, कैसे लिख सकते हैं, r cos θ + i साइन थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है आपका, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और आर क्या है, आर आपका मॉड जेड है, तो आर आपका मॉड जेड है और जो थीटा है आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, क्लियर है। तो ये कौन सी फॉर्म है, इस फॉर्म को बोलते हैं पोलर फॉर्म, ठीक है, क्लियर। तो जैसे आपको पता है कि कार्टेशियन प्लेन में अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पिन पॉइंट करना है कहाँ पे है, तो आपको पता है कि अगर मैंने 2, 1 लिखा है तो उसका मतलब है उसका रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। एक और तरीका भी, अब तो मैं दिखा दूंगा कि आर्गन प्लेन में वो कहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पता है x, y के फॉर्म में तो आप बता सकते हो कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो पोलर फॉर्म जो है उसमें क्या कर दिया आपने, ये बोल दिया कि ओरिजिन से कितनी दूर है ये पता है मुझे मॉड जेड, और दूसरा आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब एंगल दे दिया कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कि वो कितना एंगल बना रहा है, तो जितना एंगल बना रहा है उससे डायरेक्शन मिल जाएगी, और जो मॉड जेड है उससे आपको लेंथ मिल जाएगी, तो पता लग जाएगा ना कहाँ पे होगा वो पॉइंट, क्लियर है। Yes, तो ये दो तरीके हो गए करने के, ठीक है। फिर आगे एक और पढ़ेंगे, इस तरह से भी लिख देंगे, क्या e i theta, ये यूलर फॉर्म हो जाएगी, जिसमें आपका ये जो लिखा हुआ है e^i θ, ये आपका क्या है, cos θ + i sin θ, ठीक है, शॉर्ट में। कहीं कहीं पर ऐसे भी देखोगे आप, ऐसे भी लिखा रहता है r sis θ, शॉर्ट में। तो ये सारे एक ही बात है, ठीक है, इसको यूलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है। कंफ्यूज मत हो जाना, ये सारे लिख लो अगर नहीं पता है तो, ताकि पेपर में अगर कभी इनमें से कोई फॉर्म यूज हो तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये तो पता ही होंगे वैसे, पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, लेकिन ऐसे यूलर फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं r e^i θ या फिर r sis θ, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर। यस सी हो गया, सी हो गया cos θ, और i लिख दिया sin θ के साथ, तो उसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया i s θ, ठीक है, ये सारे एक ही बात है। तो अब आता है अगर आपको किसी कार्टेशियन फॉर्म से, ये हमें कौन सी फॉर्म दी हुई थी बताओ, कार्टेशियन फॉर्म दी हुई ना, तो इसको आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तभी पता लगेगा थीटा। आर तो पता लग गया, आर तो आपका मॉड जेड हो गया, जो कि आ गया 2√3। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं कंपेयर करूंगा, क्या अगर मैं कहता हूं x + i, x + i y = r cos θ + r i sin θ हो जाएगा, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो कंपैरिजन करो, क्योंकि आपको पता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं। तो इससे क्या कंक्लूड करेंगे, इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि भाई जो cos θ की वैल्यू क्या होगी, x/r होगी, और जो sin θ उसकी वैल्यू क्या होगी, y/r, क्लियर। यस सर। तो हमने sin θ की वैल्यू निकाल दी y/r कंपेयर करके, और cos θ की वैल्यू निकाल दी x/r, r आपका मॉड जेड है। तो यहां पर क्वेश्चन में था z = 3+√3i, और आपका r या मॉड जेड कितना आया था, 2√3 आएगा। तो अब आपको पता है कि cos θ की वैल्यू क्या होगी, x कितना है आपका 3, तो 3/ mod z या r कितना है, 2√3। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा,
थ्री के अंदर दो रूट होते हैं, ठीक है। और साइन थीटा इसी तरह से कितना आ जाएगा, रूट थ्री डिवाइड बाई टू रूट थ्री, सिर्फ वन बाई टू आ जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब आपको ये पता करना था कि कौन से क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपको पता है जो थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है थीटा, वो कहां से कहां तक रखना है, ओपन इंटरवल माइनस पाई, ओपन इंटरवल माइनस पाई से लेकर कहां तक, पाई तक, पाई तक, और पाई को क्लोज है ना, ठीक है ना। यस सर। तो अब आपने सबसे पहले नोटिस करा कि कॉस और साइन जो लिखे हुए वो दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अगर दोनों तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, ये बात क्लियर हो गई, कौन से में, फर्स्ट, फर्स्ट, वेरी गुड, सिर्फ फर्स्ट में पॉसिबल है। और फर्स्ट में तो आप थीटा ही लिख देते हो नॉर्मल, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, कहां पे होगी, साइन के लिए 1 by 2 और कॉस की वैल्यू रूट 3 by 2 कहां पे होगी, पाई बाय 6, यस, क्योंकि साइन की वैल्यू 30 पर 1 by 2 होती है और कॉस की वैल्यू 30 पे रूट 3 by 2 होती है। तो हमारी पोलर फॉर्म क्या हो गई, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया, बेसिकली प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड कितना आ गया, पाई बाय 6 हो गया, और मॉड जेड या आर कितना हो गया, और 2 रूट 3, क्लियर है। और अगर मैं कहूँ इसकी पोलर फॉर्म लिख के दिखाओ, तो पोलर फॉर्म ऑफ 3 प्लस रूट 3 आई क्या होगी, क्या होगी, आर, आर लिख दिया, साथ में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्लियर है। यूलर फॉर्म में कैसे लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे 2 रूट 3 ई की पावर आई पाई बाय 6, और ऐसे भी लिख सकते हो 2 रूट 3 सेस पाई बाय 6, क्लियर बेटा। यस सर, यस सर, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूं जैसे अभी वेक्टर, वेक्टर 3D पढ़ा है, अभी वेक्टर पढ़ चुके हो मैथ्स में, नहीं पढ़ा, नो सर, वेक्टर 3D नहीं हुआ अभी कंप्लीट, स्कूल वगैरह में पढ़ा नहीं, पढ़ा, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ना कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे मान लो आर्गन प्लेन में किसी पॉइंट की तरह डिनोट भी कर सकते हैं, वेक्टर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा रिलेट करूंगा, अभी मैं लाइक कंफ्यूज नहीं करूंगा, अगर आप कह रहे हो अभी नहीं पढ़ा वेक्टर तो अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म याद रखना अभी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है, लेट्स से क्वेश्चन आया, अगर लिखा है z1 इक्वल टू लिखा है -3, फिर z2 लिखा है लेट्स से 3i, z3 लिखा है लेट्स से 1 by 2, और z4 लिखा है माइनस का i, आप मुझे बताओगे इनमें से सबका मॉड z बताते जाओ, मॉड कितना है इसका, इसका मॉड कितना है, इसका मॉड कितना है, और इसका मॉड कितना है। तो पहले वाले का कितना आएगा, 3 आएगा, सेकंड का, सेकंड का भी 3, 1 by 2 और 1, ये क्लियर है सभी को, यस सर, यस सर। अब जल्दी से इनकी आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी बताते जाओ क्या आएगी, कोई बता सकते हैं, बिना पोलर फॉर्म में लिखे, अगर पोलर फॉर्म नहीं लिखते हम तो बिना लिखे बता सकते हो क्या क्या आएगी। एक तो क्या मैं कंपेयर करूंगा निकालूंगा जैसे मैंने पहले करा, अगर उस फॉर्म वैसे नहीं करना और जल्दी से बताना देखकर, तो क्या आएगा आप सोच के देखो ये कहां पर होंगे सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, और समझ में आ जाएगा आपको ये रहा। तो पहला जो है आपका वो है z1 -3, तो -3 कहां पे होगा, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, तो किसी क्वाड्रेंट में तो एक्सिस पे ही होगा। अगर इसका मैं कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट प्लॉट करूं z1 का, तो क्या आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट इसका, -3, 0, दूसरे का क्या आएगा 0, 3, yes, तीसरे का आएगा 1 by 2, 0, और लास्ट का आएगा 0 - 1, राइट। तो पहले वाला है -3, 0, तो -3, 0 तो भाई ये हो गया। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है 0, 3, 0, 3 हो गया, और फिर है 1 by 2, 0, 1 by 2, 0 भाई यहां पे होगा समवेयर, और लास्ट है आपका z4 कितना 0 - 1, 0 - 1 नीचे होगा, राइट, क्लियर है। अब मुझे बताना है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट बतानी है इनकी, तो मॉड तो निकाल चुके हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ हम कितना एंगल ले रहे हैं, तो अगर हम 0 से पाई कवर करते थे तो कैसे कवर करते थे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को एंटी क्लॉकवाइज घूम के कवर करते हैं, और थर्ड और फोर्थ को कवर करते हैं क्लॉकवाइज घूम के। तो सबसे पहले जो z1 है, z1 आपको दिख रहा है कितना एंगल बना देगा, फिर 180, बिल्कुल ठीक है। तो z1 के लिए आर्गुमेंट क्या हो गया अभी, 180, पाई इंक्लूड कर सकते हैं ना,
यस सर यस सर ठीक है नेक्स्ट ठीक है नेक्स्ट Z2 के लिए Z2 आपका 90 डिग्री है वो भी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूम के कवर करोगे तो पॉजिटिव एंगल आएगा कितना 90 नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी से 0 1/2 के लिए भी 0 हो जाएगा वेरी गुड नेक्स्ट उसको तो क्लॉक वाइज घूम के कवर करोगे ना ठीक है आया सभी को समझ में पूछ लो बेटा अगर किसी को डाउट है तो फटाफट कोई डाउट तो नहीं चलो एक रूल और बता रहा हूँ तुम्हें एक रूल और बता रहा हूँ ये तो हमने देखकर ऐसे समझ लिया एक रूल और बता रहा हूँ जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में करते थे कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है सेकंड में थर्ड में फोर्थ में तो ऐसे करते थे क्या करते थे ट्रिक में अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था तो उसको सेकंड में ले जाने के लिए क्या करते थे याद है किसी को पाई माइनस करते थे वेरी गुड पाई माइनस थीटा करते थे थर्ड में ले जाने के लिए पाई प्लस और टू पाई माइनस कर देते थे फोर्थ में ले जाने के लिए राइट Yes, जब हम जब हम जब हम यहाँ पर आर्गुमेंट निकालेंगे आर्गुमेंट जेड तो उसके लिए क्या करेंगे ध्यान से देखना थीटा जो होगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ठीक है वही लिख दोगे सेकंड में ले जाने के लिए पाई माइनस थीटा लिख दोगे ठीक है लेकिन सेकंड में ले जाने के लिए पाई माइनस थीटा लेकिन थर्ड में हम ले जाने के लिए पाई प्लस थीटा नहीं लिख सकते क्योंकि पाई से बड़ा नहीं हो सकता प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो फिर क्या करना पड़ेगा फिर क्या करें बताओ थीटा माइनस पाई प्लस थीटा माइनस पाए प्लस थीटा लिख देंगे या थीटा माइनस पाए क्लियर है और फोर्थ में ले जाने के लिए क्या कर देंगे फोर्थ में ले जाने के लिए सिर्फ माइनस थीटा ठीक है क्लॉकवाइज घूम के क्लियर है यस सर तो ये भी मतलब इस तरह से याद रख लो ठीक है ये दो अलग हैं इसमें ठीक है ना क्लियर यस सर ठीक है यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है नो सर ठीक है अब आता है कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जो आपको याद रखनी है तो पहला है आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पहले मॉडुलस की कर लेते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ पहले उससे पहले एक और चीज बता देता हूँ कॉन्जुगेट क्या होता है किसी का तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लेट से तो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर था लेट से तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, z के ऊपर क्या बना देंगे बार बना देते हैं ये इसका क्या हो गया कॉन्जुगेट हो गया अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि इफ z की वैल्यू a प्लस आई बी थी तो z का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा a माइनस आई बी हो जाएगा क्या हो जाएगा a माइनस आई बी इसका मतलब ये हुआ कि इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर दो इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर दो चेंज कर दो बस ठीक है अच्छा अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं आर्गुमेंट प्लेन में तो कहां आएगा देखो मान लिया a प्लस आई बी यहां था a और b ये इसका पहला z का कॉरस्पॉन्डिंग लाइक पॉइंट था ये z था तो z का जो कॉन्जुगेट होगा वो कहां कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बता दो फोर्थ 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 में वेरी गुड तो ये आपका कॉन्जुगेट आ जाएगा a माइनस b क्लियर है सभी को yes, इसका मतलब इसका मतलब ये हो गया कि x एक्सिस में मिरर रिफ्लेक्शन हो गया ना एक तरह से यही है ना yes, sir. जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा मिरर मतलब एक तरह से एक्स एक्सिस को मिरर मान ले तो ये मिरर रिफ्लेक्शन होगी एक्स एक्सिस के अंदर ठीक है यहां तक क्लियर है सभी को यस सर जल्दी से देखकर अभी बताओ अगर किसी को इसमें डाउट है तो फटाफट नो सर पोलर फॉर्म समझ में आई सभी को यस सर ओके नेक्स्ट लेट से अब हमें दिया हुआ है कुछ मॉडुलस मॉडुलस पढ़ चुके हम आर्गुमेंट पढ़ चुके कॉन्जुगेट पढ़ लिया अब कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं कॉन्जुगेट की वो भी याद रखनी है आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट जेड बार इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं तो पहला है अगर मैं जेड को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा सोचो अगर मैं जेड था एक्स प्लस आई वाई z का कॉन्जुगेट है x माइनस आई वाई इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा x a माइनस b a प्लस b की प्रॉपर्टी लग जाएगी x का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया जो कि मॉड z का स्क्वायर नहीं है क्योंकि मॉड z में रूट आता था यस सर है ना
तो मॉड जेड का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट होगी प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर जेड वन प्लस जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे और आप पूरे का क्या कर रहे हो, कॉन्जुगेट ले रहे हो, तो बेसिकली क्या कर दोगे आप, जेड वन का भी कॉन्जुगेट प्लस जेड टू का भी कॉन्जुगेट, मतलब इस तरह से स्प्लिट कर दो, ठीक है। थर्ड, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस या माइनस दोनों में वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई में भी है जेड वन इंटू जेड टू, इस पूरे का कॉन्जुगेट कर रहे हो तो क्या कर दोगे बताओ, क्या स्प्लिट कर दें इसे भी? Yes, sir. होगा या नहीं होगा, इसमें भी स्प्लिट हो जाएगा। मतलब मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी ले लेके बार बार, तो प्रूफ में यही आएगा, तो आप याद ही रख लो बेटा, ठीक है। अभी तो क्लियर है, अगर टाइम लग जाएगा मैं प्रूफ कर करके दिखाऊंगा। डिवाइड में भी ऐसे याद रख लो कि डिवाइड में भी अगर पूरे का आप क्या ले रहे हो, कॉन्जुगेट ले रहे हो, तो जेड वन का भी और जेड टू का भी ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब आता है, ये तो हो गया मल्टीप्लाई में, हो गया प्लस में, हो गया माइनस में, हो गया। अब आता है, लेट्स से इफ आई से जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, अगर ये दोनों इक्वल है देन हम जेड के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देन जेड इज अ, कुछ बोल सकते हैं जेड के बारे में, कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है फिर वो कैसा होगा, प्योरली रियल होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, या कुछ नहीं बोल सकते ऐसा, क्या करें? साइन चेंज होता है तो क्या आएगा, माइनस जीरो है, तो इससे कोई फर्क पड़ा नहीं ना, इससे मतलब क्या निकलेगा, कैसा है वो प्योरली रियल होगा ना बेटा, क्लियर। अगर Z और उसका कॉन्जुगेट इक्वल हो जाए तो वो प्योरली रियल होगा, क्लियर? यस सर। क्योंकि अभी हमने क्या सीखा था, अभी हमने बोला था Z1 और जो Z है और Z का जो कॉन्जुगेट है वो एक तरह से मिरर रिफ्लेक्शन होती है X एक्सिस में, तो X एक्सिस में अगर मिरर रिफ्लेक्शन है तो दोनों इक्वल तो कभी होंगे नहीं जब तक वो, अनलेस कहां पे नहीं आ जाते, मिरर पे नहीं आ जाते, मतलब X एक्सिस पे, तो अगर कोई X एक्सिस पे तो फिर वो प्योरली रियल ही तो होगा, क्लियर है? यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखना कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दो कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल है तो वो प्योरली क्या होगा, रियल होगा, समझ में आ गया? अच्छा, अब इफ आई से जेड इज प्योरली प्योरली इमेजिनरी, अगर मैं कह देता हूँ प्योरली इमेजिनरी है जेड, देन जेड जेड का जो कॉन्जुगेट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर Z प्योरली क्या है हमारा इमेजिनरी है तो Z और उसके कॉन्जुगेट के सम को हम क्या लिखेंगे, जीरो, क्लियर है सभी को, जीरो क्यों आएगा? यस सर, क्योंकि Z आपने लिया थ्री आए और इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो माइनस थ्री आए और इनको ऐड कर दोगे तो क्या आएगा भाई, जीरो, जीरो कट जाएगा ना, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा सभी को? यस सर। इसके बाद आती है मॉडुलस की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो भी याद रख लो, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं मॉडुलस की। अच्छा, इसमें मैंने एक प्रॉपर्टी ये जो लिखी है ना, ये वाली भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जेड मॉड जेड का स्क्वायर आएगा। तो इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ, स्पेशल केस इफ, स्पेशल केस इफ मॉड जेड अगर वन है, मॉड जेड वन का मतलब क्या हो गया, मॉड जेड का मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड या जो मॉड है जेड का वो वन है, अगर ऐसा है देन, एक एग्जांपल दे सकते हो कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड जेड वन आ जाए, भाई सिंपली कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख दो, है ना, यस सर, या ई आई थीटा लिख दो या सेस थीटा लिख दो, ये की बात है, तो इनका अगर मैं मॉड निकालूंगा तो क्या आएगा, वन आएगा ना, क्लियर है? यस सर, यस सर। तो इन सबका अगर आप मॉड निकाल दोगे तो क्या आएगा, ध्यान रखना वन आएगा, cos square plus sin square always one होगा, चाहे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो। तो देन हमारा फॉर्मूला था z into z का जो कॉन्जुगेट है वो mod z का स्क्वायर होता है, तो अगर if mod z is equal to one then क्या निकलेगा कंक्लूजन, कि z जो है वो क्या हो जाएगा, z और z कॉन्जुगेट आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, है ना, क्लियर है? से रिपीट कर दो,
हाँ बेटा, मैंने बोला z इंटू जेड का जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल टू क्या होता है, मॉड z का स्क्वायर होता है। और मैंने बोला कि अगर मॉड z आपका 1 है तो राइट साइड पे आपका 1 आएगा, तो इसका मतलब क्या आ गया कि z इंटू जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 आ गया, है ना। तो यानी कि आप z को z कॉन्जुगेट का रेसिप्रोकल कर सकते हो या z कॉन्जुगेट को z का रेसिप्रोकल बोल सकते हो। तो यानी कि अगर आपको ऐसा दिया है f, z इक्वल टू था आपका cos थीटा, जैसे मैंने लिया cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसका कॉन्जुगेट लिखो तो क्या लिखोगे आप, पता है क्या लिख सकते हो, ये लिख दोगे cos थीटा माइनस i sin थीटा, ये दोनों इक्वल है, क्लियर। यस सर। आपने क्या कर दिया, z के कॉन्जुगेट लिखकर उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये दोनों इक्वल ही है, क्लियर है। यस सर। बाकी आप मतलब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो रैशनलाइज करके कि हां भी इक्वल ही है, बट अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज कर सकते हो। समझ में आया यहां तक? यस सर। तो वहां पे प्लस नहीं होगा फिर, कहां पर बेटा? cos थीटा प्लस i। हां जी, नीचे नीचे ना डिनोमिनेटर में। नहीं ना बेटा, क्योंकि हमें जो, अच्छा मैंने प्लस क्या लिख दिया, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि जो अच्छा मैंने तो रेसिप्रोकल बोला है ना सिर्फ, तो रेसिप्रोकल में तो वही आएगा, राइट? ठीक है भाई। यस सर। यस सर। आई सभी को समझ में? हां सॉरी, मैंने नीचे कॉन्जुगेट लिख दिया, नीचे तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 अपॉन z, तो वही का वही लिख दोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जिसका एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होता। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं ऐसे लिख दूं z इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आई, तो इसका जो आर्गुमेंट है वो क्या है, नॉट डिफाइंड। अगर मेरे को मॉड कितना है, तो मॉड तो जीरो ही है, मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो तो जीरो ही है, बट जो आर्गुमेंट होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, क्लियर है? Yes, क्योंकि 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 हाँ क्यों होगा बता सकता है कोई? क्योंकि ओरिजिन पर होगा। हाँ ओरिजिन पे होगा, तो ओरिजिन पे होगा तो उसका आर्गुमेंट कैसे निकालोगे, राइट? वो तो पॉइंट उसी पे आ गया, हम तो एक्स एक्सिस से डायरेक्शन लेते हैं ना, कितना है तो बता ही नहीं सकते। ठीक है। यस सर। ठीक है, इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज, मैंने बता दी, मॉड की बताई मैंने, नहीं बताई अभी? नो सर। मॉड की प्रॉपर्टीज भी लिख लो। अच्छा, मॉड से पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंट, और अगर z1 दिया हुआ है आपको a प्लस आई डी, z2 दिया हुआ है c प्लस आई डी, तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख लो। जैसे z1 को अगर z2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो बताएगा? अगर z1 को z2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका आएगा ए सी माइनस का बी डी, और प्लस का आई के साथ क्या आएगा, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ये याद रख लो कैसे, ये आएगा रियल, और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, माइनस का बी डी वो भी रियल होगा, और जो आई वाले पार्ट होंगे उनको मैंने अलग कर दिया। इसी तरह से अगर डिवाइड करेंगे तो, अगर डिवाइड करते हैं तो फिर क्या आएगा, ये भी याद रख लिया क्या होता है, ए सी प्लस बी डी, और आई के साथ आएगा बी सी माइनस ए डी, और होल डिवाइड में दोनों क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है भाई। यस सर। अगर ये याद नहीं है तो भी हो तो जाएगा ही, बट अगर याद कर लो स्टैंडर्ड रिजल्ट तो बहुत जल्दी लिख पाओगे। ठीक है। यस सर। और भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना टाइम बच जाएगा उतने ज्यादा लाइक आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, एक्यूरेसी से कर पाओगे। ठीक है, तो ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख लिए। ठीक है, अब आती है कुछ मॉड की, मैं प्रॉपर्टीज बता रहा था तो लिखते जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्स। तो पहला है, अगर मैंने बोला z1 डिवाइड बाय z2, इस पूरे का मॉड निकाल रहा हूं मैं, तो अब या तो मैं क्या करूंगा, पहले जो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे वाला है, इस तरह से डिवाइड में, तो पहले उसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद क्या करूं, उसे पूरे का क्या कर दूं, पूरे का क्या कर दूं, मॉड कर दूं। तो ये एक तो ये तरीका हुआ, यानी कि z1 प्लस z1 डिवाइड बाय z2 को पहले इस फॉर्म में चेंज करूं, ये जो लिखा था मैंने, इस फॉर्म में लेके आऊं और फिर इसका मॉड निकालूं। इससे अच्छा है कि ऐसे कर दो, ये भी सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, z1 का मॉड सेपरेट कर दो, नीचे z2 का मॉड कर दो, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, इसके भी प्रूफ नहीं बता रहा मैं, इक्वल आएंगे दोनों, मतलब आप करके भी देखोगे सेम ही आएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर? यस सर। इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है,
z1 into z2, तो क्या करोगे तब भी सेपरेट कर सकते हो इस तरह से, क्लियर है? Yes, sir. फिर है थर्ड, अगर लिखा है z की पावर n, इसका मॉड करना है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पावर n लिखिए, कोई भी रैशनल लाइक पावर है, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सिर्फ मॉड z करो और उसकी पावर n रेज करो, ये भी सेम आएगा, क्लियर है? ठीक है, फिर एक और बात, अगर लिखा है z1 plus z2, ऐसे मॉड का स्क्वायर लिखा है, z1 plus z2 पूरे मॉड, पूरे का मॉड लिया और स्क्वायर कर रहे हैं, तब क्या आएगा आंसर, तब कैसे सॉल्व करें? अब आपको एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी, मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी, इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, देखो z1 plus z2 का मैंने कहा पूरे का स्क्वायर, ये करना है, तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूं, तो इसके लिए मुझे एक प्रॉपर्टी याद आती है, कौन सी, मैंने कुछ बताया था क्या, z को उसके कॉन्जुगेट के साथ अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, याद है, मॉड z का स्क्वायर आता, ये बताया था ना? Yes, sir. तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको मैं सोच रहा हूँ कि एक तरह से मॉड z लिखा हुआ, ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, लेट्स से, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, z1 plus z2 ऐसे, और मल्टीप्लाई में क्या, इसका कॉन्जुगेट है ना, z1 plus z2 का पूरे का कॉन्जुगेट, ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके? Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं अगर, अब आपको ये भी बताऊंगा कि कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज में, अभी मैंने पीछे बताया था कि कॉन्जुगेट अगर लाइक पूरे के ऊपर लगा हुआ है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो दोनों के ऊपर, ऐसे ऐसे भी और ऐसे भी, क्लियर? Yes, sir. और जब आप, yes, इसको, अब आप जिसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, देखो जब z1 को z1 के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लिख दू z1 का मॉड का स्क्वायर, है ना, ये आएगा ना? Yes, sir. फिर ऐसे ही z2 को z2 के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ठीक है, z2 का मॉडुलस का स्क्वायर आ गया, प्लस में क्या आएगा, प्लस में एक बार z1 z2 के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ऐसे, और एक बार z1 के कॉन्जुगेट से z2 का z2 मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है? Yes, sir. इसी तरह से प्लस की जगह माइनस हो तो वो भी आप कर लेना, ऐसे ही होगा सेम, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये याद रखना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गए दोनों, यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. किसी को डाउट है तो कुछ पूछना तो बेटा पूछ लो जल्दी से इसमें. No, sir. आगे चलें? Yes, sir. अच्छा, आर्गुमेंट की भी प्रॉपर्टीज लिख लो साथ साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट z. आर्गुमेंट z की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो पहला है, अगर लिखा हुआ है आर्गुमेंट निकालना है z1 मल्टीप्लाई बाय z2, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया उनका जो आंसर आएगा उसका आर्गुमेंट निकालना है, तो जो आंसर होगा वो ये आएगा, आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2 प्लस 2n पाई, प्लस माइनस का 2n पाई. अच्छा, यहां पर जब मैं आर्गुमेंट लिख रहा हूं तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा हूं? प्रिंसिपल आर्गुमेंट, या अभी आप ऐसे सोचो बस आर्गुमेंट ही है, ऐसे याद रखो आर्गुमेंट. जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते हैं तो आपको ये तो पता है कि जो भी आंसर आता है आर्गुमेंट का वो तो आपका कोई भी 2n 2 पाई का कोई मल्टीपल साथ में प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन जब आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखोगे आपको पता है उसको ब्रेक करके कौन सी उसमें लेके आना पड़ेगा, माइनस पाई से प्लस पाई, है ना, याद है? यस सर. तो अभी आप आर्गुमेंट याद रखो, कोई बात नहीं, ठीक है, तो पहला हो गया. दूसरा, आर्गुमेंट अगर डिवाइड में z1 अपॉन z2 तब आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे, इसके रूल्स ऐसे नहीं है जैसे लॉगरिथम के होते थे, मल्टीप्लाई में प्लस, हाँ, तो आप अगर इनको फॉर्मुले को लर्न करना है तो आप लॉग वाले फॉर्मुले मेमोराइज कर लो, बस वो याद आ जाएगा आपको कि क्या हो रहा है. इसमें भी फिर प्लस माइनस 2n पाई, ये जो मैं प्लस माइनस 2n पाई लिख रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या करना होगा, अगर एम्पलीट्यूड निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आर्गुमेंट सॉल्व करके आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 लिखा मैंने और सॉल्व करके लेट से आ गया पाई से बड़ा आ गया, तो पाई से बड़ा आने पर मैं क्या करूंगा उसको इस तरह से एडजस्ट करूंगा 2n पाई को, या तो प्लस करूंगा या माइनस, ताकि वो माइनस पाई से पाई के बीच में आ जाए, क्लियर है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं. यस सर. अच्छा, फिर अगर आ गया आर्गुमेंट z n, z की पावर n, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें n आगे आ जाएगा और आर्गुमेंट z हो जाएगा, क्लियर? यस सर. यस सर. यहां तक सभी को आया समझ में? यस सर. यस सर. चलो अब पूछ लो बेटा, अगर किसी को डाउट है तो इसमें जल्दी से. नो सर. नो सर. ठीक है, आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में दोनों में डिफरेंस क्लियर है, क्या होता है? यस सर. ठीक है.
ठीक है, तो अब लेट से कुछ क्वेश्चन करते हैं. लेट से हमें दिया हुआ है, चलो पहले एक पोल कंडक्ट कर लेता हूँ, क्वेश्चन नहीं पूछा तुम्हारे से. लेट से हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है रूट थ्री प्लस आई, या रूट थ्री दिया हुआ, बस रूट थ्री आई लेते थे, रूट थ्री आई. और इसका पूछा है हमें क्या आर्गुमेंट z बताओ क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट. तो ऑप्शन है पहला पाई बाय टू, माइनस पाई, पाई या टी माइनस पाई बाय टू. और मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, आपको आंसर इसमें बताना है. चलो लॉन्च करते हैं, सभी का सही आना चाहिए, जल्दी से फिट आउट, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना. पोल लॉन्च कर दिया मैंने, क्वेश्चन देखो ढंग से और फिर आंसर करो. अभी तो डिस्कस किया था बेटा हमने, सभी का आंसर आना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हमने. सभी का आंसर नहीं आया बेटा अभी. ओके, सिर्फ 50% बच्चों ने आंसर दिया है भाई, ऐसे क्यों करते हो भाई, इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने. ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिया है बी ऑप्शन. अब आपको पता है कि इसमें आई लिखा हुआ है, मतलब रियल पार्ट तो है ही नहीं इसमें, तो ये देखकर ही पता लग रहा है भाई ये प्योरली क्या है, इमेजिनरी है. प्योरली इमेजिनरी कहाँ पे लाई करता है, वाई एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, राइट. तो अब ये कैसे बताएं कि कौन से वाला है, ऊपर वाला नीचे वाला. आपको दिख रहा है कि रूट थ्री आई पॉजिटिव वाला लिखा हुआ है, तो भाई पॉजिटिव ऊपर ही तो होगा एक्सिस पर, यहाँ पे होगा. और यहाँ पर अगर कोई एंगल है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें उसका आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो वो कितना होगा भाई, 90 डिग्री होगा प्लस का. तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा भाई. ठीक है, यस सर, ध्यान से सुनो, काफी बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं. ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, यस सर. अब इस पे बेस्ड आर्गुमेंट और एक एम्पलीट्यूड का क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा सा एग्जाम लेवल का. Let's say z equal to दिया हुआ आपको root 3 plus i की whole power 17 और divide में दिया हुआ है 1 minus i की power 50, ऐसे दे दिया और बोला कि find mod z and amplitude दे दिया, principal argument या amplitude बोल दिया, and amplitude z मतलब principal argument निकालना है. तो हमने क्या किया, सबसे पहले मॉड जेड. अब आप सोच के देखो जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं वो क्यों लाइक एप्लीकेबल है, लाइक उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, कि भाई अगर आपको रूट थ्री प्लस आई की पावर 17 करनी है तो 17 कर पाओगे सॉल्व, पावर बहुत बड़ा हो जाएगा. तो नीचे क्या लिखा हो 50 पावर, तो ये तो ओपन ही नहीं होगा. अगर बायनोमियल थ्योरम लगाता भी हूं मैं तो यार उसमें तो बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी, ऊपर 18 टर्म आएंगी, नीचे 51 टर्म आएंगी, 51. और फिर डिवाइड करना है, रैशनलाइज कहां से होगा, सॉल्व ही नहीं होगा, पागल हो जाएंगे. तो मैंने क्या करा, वो प्रॉपर्टी लगा दी, क्या थी, ऊपर वाले का भी मॉड नीचे वाले का भी मॉड, तो क्या आएगा, इसका भी मॉड नीचे 1 माइनस आई की पावर 50 का मॉड. ठीक है, सेपरेट कर दिया. उसके बाद भी तुम्हें याद आ रहा होगा कि अगर z की पावर n का मॉड करते थे तो n आगे आ जाता था, याद है, क्या फॉर्मूला होता था, ये रहा n, सॉरी आर्गुमेंट में आगे आता था, इसमें क्या होगा, मॉड z निकाल के पावर में रेज कर देते थे. तो क्या होगा, हम तो क्या निकाल रहे हैं, मॉड निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, मॉड सिर्फ रूट थ्री प्लस आई का करो और होल पावर 17, फिर मॉड सिर्फ 1 माइनस आई का करो पावर 50, क्लियर है, यस सर. तो ऊपर वाले का तो बहुत इजी है, रूट थ्री का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, 4 का रूट होता है 2, 2 की पावर 17, नीचे कितना आएगा, नीचे भी 2 आएगा, 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 होगा, रूट 2 आएगा. और अब रूट 2 आया, 2 नहीं रूट 2 आया, ऊपर तो 2 आया, नीचे रूट 2 आया,
तो रूट टू की पावर 50, तो रूट टू की पावर 50 कितनी होती है भाई, 2 की पावर कितना लिखते हैं, 25, 25, तो ये तो 2 की पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 8, यानी कि 1/1 कितना लिख सकते हैं, 256, 256, yes, 2 की पावर 9 होती है 512, 2 की पावर 10 होती है 1024, हाँ, 2 की पावर 2 की पावर 8 आएगा 256, ठीक है, क्लियर, मॉड जेड आ गया। अब इसके साथ बोला भाई एम्पलीट्यूड भी निकालना है, मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो पहले आप आर्गुमेंट निकालो, प्रिंसिपल भूल जाओ अभी, आर्गुमेंट निकालो, तो आर्गुमेंट सेट निकालने के लिए भाई क्या करेंगे हम, क्या फॉर्मूला था यार, पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पहले तो आप पोलर फॉर्म में लेके आओ, क्योंकि आर्गुमेंट निकालने के लिए याद है ना पोलर फॉर्म लिखनी जरूरी है, याद है? Yes, sir. तो इसकी पहले वाले की पोलर फॉर्म कोई बताएगा क्या है, ऊपर वाले की, इसकी पोलर फॉर्म क्या आएगी, 17 पावर को भूल जाओ अभी, सबसे पहले आर निकालते हैं, आर कितना आएगा, 2 आएगा, एक मिनट, आर आएगा 2, अच्छा कॉस के साथ एंगल क्या आएगा, अब हमें पता है कि, या तो आप ऐसे रफ में लिख लो पहले, अगर नहीं आ रहा समझ में, 3 प्लस आई, रूट 3 प्लस आई लिखा है, और इसको हम मानते थे क्या, कॉस इसका जो आर आया वो कितना आया, 2 आएगा, तो जो रूट 3 प्लस आई है उसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस, जब वैसे ही डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती थी याद है, बताओ क्या होता था, कॉस थीटा हम लिखते थे एक्स, ये आपका एक्स है, एक्स बाय आर, तो एक्स कितना है, रूट 3 बाय 2, और साइन थीटा होता था वाई, वाई कितना है, 1 डिवाइड बाय 2, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही एंगल है, कितना एंगल होगा, कितना है, पाई बाय 3, तो यहाँ पर क्या लिख दूं, 2 टाइम्स कॉस क्या, पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6, ठीक है, और होल पावर कितनी है भाई, 70, ठीक है, नीचे कितना लिखा होता डिवाइड में, रूट टू, वन माइनस आई को क्या लिखेंगे, 2 रूट टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाय रूट टू आएगा, और साइन थीटा माइनस का आएगा, राइट, कौन सा क्वाड्रेंट है ये देखकर बताओ, कॉस की वैल्यू प्लस है, साइन की वैल्यू माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये, फोर्थ में जाने के लिए, ये थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पाई बाय 4 है, तो फोर्थ में ले जाने के लिए भाई क्या करोगे आप, माइनस थीटा ही तो लिखते थे, याद है, यस यस सो, तो माइनस पाई बाय 4 लिख दूं, यस यस सो, तो रूट टू के साथ कॉस, अच्छा कॉस में तो नेगेटिव पॉजिटिव लिखो एक ही बात है, चलो लिख देता हूँ फिर भी, माइनस आई साइन माइनस पाई बाय 4, ठीक है, और पावर कितने, 50, अब आपको याद आ रहा होगा कि आर्गुमेंट जब लिखते हैं, ये तो आपका जेड था, सॉरी ये तो सिर्फ जेड लिखा है मैंने, अब आर्गुमेंट लिखनी है, अब आर्गुमेंट कैसे लिखेंगे, आर्गुमेंट जेड क्या होगा, मैंने कहा था जो न्यूमरेटर में लिखा होता है और जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है, तो आर्गुमेंट कैसे निकालते थे, ऊपर वाले में से नीचे वाले की आर्गुमेंट माइनस होती थी, याद है, यस सर, और अगर पावर होती है तो पावर आगे भी आ जाती, तो आर्गुमेंट यहां पर है पाई बाय 6, अब कॉस साइन से कोई मतलब नहीं है, और इससे भी कोई मतलब नहीं है, एम्पलीट्यूड से भी कोई मतलब नहीं है, जो 2 की पावर 17 आएगा और रूट 2 की पावर 50 रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो नंबर है, कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ ऊपर वाले की आर्गुमेंट देखनी थी, वो कितनी थी, पाई बाय 6, नीचे वाले की कितनी आई है, माइनस पाई बाय 4, पावर होती है, हाँ, और जो पावर होती थी वो लॉग वाला रूल मैंने बताया था, पावर आगे आ जाती है, तो 17 टाइम्स क्या हो जाएगा, 17 टाइम्स हो जाएगा पाई बाय 6, और नीचे है 5, नीचे जो डिवाइड में लिखा है वो तो माइनस होगा, 50 टाइम्स क्या होगा, माइनस पाई बाय 4 है ना, ये होगा, यस सर, क्लियर है सभी को, यस सर, ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये लिखने की भी जरूरत नहीं, आप रफ में बस आर्गुमेंट निकाल लो, ऊपर वाले की कितनी है, नीचे वाले की कितनी है, आपको पूरा कॉस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ये पूछा है सिर्फ कि आर्गुमेंट कितना है, ठीक है, तो मैंने निकाल के बता दिया कैसे आया, अच्छा अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 17 पाई बाय 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 54 से डिवाइड होकर 25 बाय 2 रह जाएगा, राइट, यस, इसको सॉल्व करके बताना जल्दी से, इसको सॉल्व करके जल्दी से बताओ क्या आएगा, ऐड करके बताओ कितना आएगा, एलसीएम लेंगे 6, 17 बाय 17 ही रहेगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 75, यस सर, ऐड कर दो, बता दो कितना आता है, 92 पाई बाय 6, पाई बाय 6, यानी कि हो गया 46 बाय 3 पाई, है ना, यस सर,
तो ये तो मेरा आर्गुमेंट आया, आर्गुमेंट ठीक है, करेक्ट है आर्गुमेंट, लेकिन ये एम्पलीट्यूड नहीं है। कोई अगर आपको कहे कि एम्पलीट्यूड या प्रिंसिपल आर्गुमेंट है तो ये रॉन्ग हो जाएगा भाई, क्योंकि आपका ये तो रेंज में ही नहीं है। तो आपको पता कि आर्गुमेंट जो होता है वो तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए वो माइनस फाइव से पाई होना चाहिए। तो इसको ब्रेक करो जल्दी से, बताओ कैसे ब्रेक करें, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में करते थे। बताओ 46 बाय 3, पहले 46 बाय 3 कर लो, कितना आएगा 45 बाय 3 होगा 15, तो 15 पाई तो पूरा है, प्लस का कितना हो जाएगा पाई बाय 3। यस ठीक है, ये आपका थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल। और 15 पाई कौन सा होता है, 15 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है भाई, 15 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड नहीं होगा, थर्ड और इसके बाद आप कह रहे हो प्लस थीटा, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे यहाँ पर। और थर्ड में लाने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने सीखा भी, जब एम्पलीट्यूड लिखते हैं तो एम्पलीट्यूड जब थर्ड क्वाड्रेंट में लिखते हैं तो एंगल को कैसे लिखते हैं, याद है कैसे लिखते थे, माइनस पाई प्लस थीटा। वेरी गुड, तो क्या करते थे याद है ना, मैंने अभी लिखा था ये रहा, थीटा माइनस पाई, हाँ मैंने थीटा माइनस पाई बताया था, ये रहा थीटा माइनस पाई। तो थीटा कितना है हमारा, थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल लिखते हैं, तो थीटा तो कितना है यहाँ पर पाई बाय 3 है, दिख रहा है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो मॉडल समझ में कैसे निकालेंगे ऐसे वाले का, और एम्पलीट्यूड या प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, क्लियर है? यस सर। अच्छा अगर अगर आपसे पूछा होता कि सिर्फ आर्गुमेंट बताओ, तो ये माइनस टू पाई बाय थ्री भी ठीक है, 46 पाई बाय 3 भी ठीक है, 46 पाई बाय 3 में 2n पाई ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दो, 2 पाई 4 पाई वो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एम्पलीट्यूड पूछा है तो यही आंसर होगा माइनस 2 पाई बाय 3, और एम्पलीट्यूड ही पूछेगा जनरली, लेकिन क्योंकि आर्गुमेंट लिखेगा तो आर्गुमेंट में तो 2n पाई प्लस कर दो इसमें। अगर मैं कहता हूं इसका आर्गुमेंट बताओ, तो आर्गुमेंट तो बहुत सारे हैं इसके, आर्गुमेंट सेट जो होगा वो तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2 पाई बाय 3 प्लस का 2n पाई प्लस माइनस बेसिकली, और n कैन बी एनी इंटीजर, क्लियर? यस सर। यस सर। यहां तक सभी को आया समझ में? यस। Yes, जब नेक्स्ट क्लास में वीडियो हम करेंगे तो सबको ध्यान रखना है जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई है मॉडल्स की, कॉन्जुगेट की और आर्गुमेंट की, और किस तरह से पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, मॉडल्स कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, इसकी प्रैक्टिस करके आओगे, ठीक है, तभी समझ आएगा, नहीं तो फिर आगे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू ऑल, ओके बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा।